देखिए, मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है, और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत, आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी, हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है।